11 से 15 साल की एज में अगर आपकी पैंटी पे आपको लगता है गीलापन और पैंटी चेक करने के बाद पैंटी पे आते हैं कुछ रेड कलर के धब्बे, कुछ बूंदे, ब्लड की बूंदे, तो आप ये ना समझिए कि आपको कैंसर है या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कि बहुत गंभीर है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डेज होते हैं आपके पीरियड स्टार्ट होने के, इस टाइम पे आपको आ सकता है पीरियड। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम आपके पैंटी पे रेड कलर का ब्लड दिख रहा है तो आप ये समझ जाइए आपको हो चुके हैं आपके पीरियड स्टार्ट। आप पूरी तरीके से अब आपकी बॉडी तैयार है फीमेल बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए। मीन्स अब आप के अंदर इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है कि आप एक नए जीवन को जन्म दे सकती हैं। तो अगर आपका पीरियड अभी अभी हुआ है स्टार्ट या आपके घर की प्रिंसेस का पीरियड हुआ है अभी अभी स्टार्ट, तो उस पीरियड्स को ईजली और हैप्पी बनाने के लिए, बीमारियों से मुक्त बनाने के लिए हमारे पास है आपके लिए कुछ छोटे छोटे हैक्स। तो देर ना करिए, बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले आप सभी को प्रणाम, मैं विजय लक्ष्मी मौर्य यूपी बस्ती से, और आप देख रही हैं हमारा चैनल सुकन्या केयर संध्या मोहंती। तो पीरियड से रिलेटेड ऐसी ढेर सारी टिप एंड ट्रिक्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम बताते कि क्या करके आप अपने बिटिया के, या आप खुद अभी ये वीडियो देख रही हैं तो क्या करके आप अपने पीरियड्स को, स्टार्टिंग डेज को काफी अच्छा बना सकते हैं। नंबर वन, अगर आपको पीरियड हुआ है स्टार्ट तो आपको टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज करना, आपको स्मॉल साइज के पैड्स नहीं यूज करने, आपको मार्केट वाले प्लास्टिक वाले और जिसमें रुई एंड केमिकल होते हैं वो पैड नहीं यूज करना, क्योंकि ये डेज होते हैं आपके पीरियड स्टार्ट के। अब पीरियड स्टार्ट हुआ है तो ये पीरियड आपको हर महीने आएगा, हर महीने मतलब अगर आपको 5 तारीख को पीरियड आया है तो 5 को आ सकता है, उससे 2-4 दिन पहले आ सकता है या 5 के 2-4-10 दिन बाद आ सकता है, क्योंकि आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है तो उस स्टार्टिंग के बाद आपके बॉडी को 1 साल लग जाते हैं पूरा आपके हार्मोन्स को, आपके पीरियड्स को, आपके यूट्रस को सेट करने में। तो 1 साल के अंदर अगर आपका इनरेगुलर पीरियड है तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, 1 साल के बाद अगर आपका इनरेगुलर पीरियड है जो कि पीरियड चलकर 25 से 35 दिन का होता, इससे पहले या इससे बाद आता है तो ये आपके लिए हो सकती है टेंशन वाली बात। खैर, अभी आपका पीरियड स्टार्ट है तो अगर 1 साल के अंदर आपका इनरेगुलर पीरियड है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको हेल्थ और हाइजीन का पहला बहुत अच्छा ध्यान रखना है, जैसे कि आपको कोई भी पैड 4 से 6 घंटे के अंतर में चेंज करना है, मतलब कोई भी पैड आप 6 घंटे से ज़्यादा मत यूज करिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होने से आपके यूनिपार्ट में, आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो सकती है, रैशेज हो सकती है, खुजली हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, उससे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है और साथ ही साथ फिर ल्यूकोरिया जैसी गंभीर समस्या की भी शुरुआत हो सकती है। अब आप कर क्या सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया मार्केट का पैड नहीं यूज करना, टैम्पॉन नहीं यूज करना, मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज करना। आप यूज कर सकती हैं केमिकल फ्री, प्लास्टिक फ्री, रुई फ्री, एक नेचुरल वे में बना सुकन्या केयर संस्था का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन। देखिए ये स्मॉल भी नहीं है, इसकी साइज भी लॉन्ग है, ये पूरी तरीके से कंफर्टेबल, एंड इसका जो बैक साइड है, पीछे का साइड, ये देखिए ये चौड़ा होता है तो ये कहीं से भी आपका लीकेज नहीं करेगा, ये पूरी तरह लीकेज फ्री रहेगा, आपको स्टेन की कोई टेंशन नहीं, आपको बार बार पैड चेंज करने की टेंशन नहीं, क्योंकि जो मार्केट वाले पैड होते हैं वो 4 से 6 घंटे में आपको चेंज करने, पर ये एक पैड आप 24 घंटा यूज कर सकते हैं बिना किसी लीकेज के, बिना किसी इंफेक्शन के, बिना किसी बैक्टीरिया के, क्योंकि ये पूरी तरह नेचुरल वे में बना है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी आपको गारंटी दी जाती है, जो पूरा बॉक्स है ये सुकन्या केयर का ही पैड है और मैं इसे लास्ट कुछ मंथ से यूज कर रही हूँ और काफी अच्छा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं 100% गारंटी के साथ ये पैड है। मैं लास्ट कुछ महीनों से यूज कर रही हूँ सुकन्या केयर संस्था का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन, और इसकी खास बात यह है कि ये 8 लेयर से मिलकर बना होता है, जैसे कि टिश्यू पेपर, एनायन चिप, जेनेटिन जेल, ऑक्सीजन लेयर, और ये इतना अच्छा है कि हमारे पीरियड बैक्टीरिया को किल करता है और हमें गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड कराता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पीरियड्स के लिए काफी अच्छा होता है और जिससे हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। और ये डबल एक्सल का साइज होता है जो कि पूरी तरह आप देख सकते एकदम सॉफ्ट होता है, टिश्यू पेपर की वजह से इसमें कोई इरिटेशन, कुछ प्लास्टिक फ्री होता है, इसमें कोई कहीं से भी रुई नहीं होता है, एंड आप पीछे भी देखिए ये पूरी तरीके से टिश्यू पेपर पेपर पे बना हुआ है, फिर भी ये कहीं से लीकेज नहीं देता, कहीं से स्टेन नहीं देता है। और ये 150 ml तक की सोकिंग कैपेसिटी वाला पैड्स है, 150 ml तक इसकी सोकिंग कैपेसिटी है, यानी कि 24 घंटे बिना इन्फेक्शन के मैं इसे यूज कर सकती हूँ। तो आप भी इस पैड्स को जरूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेस्ट पैड है। तो आप
आपने देखा ये पैड कितना अच्छा है। अब इस पैड को यूज करने के आपके बहुत सारे बेनिफिट, जैसे कि मैंने बताया आपके पीरियड से तो इतनी जाने मतलब इतने सारे बेनिफिट है। अब मैं बताती हूँ, फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो हार्मोन्स डिसबैलेंस, क्रैम्प्स होते हैं, पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है, अब उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आप रेगुलर बेस पे खुद ये पैड यूज कर रही हैं, मतलब आपको पीरियड स्टार्ट हुआ है और पीरियड स्टार्ट होने के बाद पेन्स क्रैम्प्स ये तो आम बात स्टार्टिंग डेज में तो होते ही होते हैं, तो अगर आप रेगुलर बेस पे हर मंथली इस पैड्स को यूज कर रही हैं तो आपका पीरियड क्रैम्प्स हमेशा के लिए हो जाएगा खत्म। साथ ही साथ आपके पीरियड जो पीरियड्स में हार्मोन्स डिसबैलेंस मतलब जो एक साल आपके पूरे हार्मोन्स को सेट होते पीरियड्स के वक्त स्टार्टिंग के वक्त जो एक साल लगते हैं उसके टाइमिंग सेट होते वो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से होंगी। मतलब पीरियड जो आपका है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काफी अच्छा जाएगा, काफी हेल्दी जाएगा, बीमारियों से फ्री जाएगा, तो इसलिए आप सुकन्या केयर संस्था का पैड यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पीरियड के टाइम पे काफी ज्यादा पेन होता है, और हाँ इस पैड्स को यूज करने से आपका पेन तो पूरी तरह गारंटी के साथ दूर हो जाएगा, बट अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप यूज कर सकते हैं ये छोटा सा घरेलू नुस्खा। करना क्या है घरेलू नुस्खे के लिए, आपको सौंफ लेना है, एक ग्लास पानी लेना है, एक ग्लास पानी में सौंफ को अच्छे से उबालना, अच्छे से कम 5 मिनट धीमी आंच पे, फिर उसे आप छान लीजिए। छानने के बाद हल्का सा जैसे हम चाय को गुनगुना पीते हैं ऐसे ही हल्का गुनगुना होने पे उसे सिप सिप करके, एक साथ नहीं थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूट करके आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। इसको आप मतलब पीते हैं आधे घंटे के अंदर आपका पेट दर्द सही हो जाएगा, पर ये एक टेम्परेरी तरीका है। और आप सुकन्या केयर संस्था का अगर पैड यूज करेंगे तो आपका पेन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो आप सब भी मेरी तरह छोटे छोटे टिप्स फॉलो करिए और अपने पीरियड्स को काफी अच्छा और हेल्दी बनाइए। खैर मुझे पीरियड्स आते हो चुके हैं 12 से 15 साल और